ब्लास्टर भाई सुनो ना, ब्लास्टर भाई मुझे भाई मुझे शाउट आउट दे दो आज की वीडियो में, शाउट आउट दे दो आज की वीडियो में। सेवन सीन सुमित। चलिए सेवन सीन सुमित भैया, बिग शाउट आउट टू यू। अब देखो भैया, बात करें हमारे रैंको टायर के बारे में, सबसे पहले तो वही बात होगी है ना, क्योंकि यहाँ पे फाइनली हमारा इस आईडी में कॉन्कर होने वाला है ये। अब यहाँ पे भैया आप थोड़ा सा ये कैरियर रिजल्ट देख लो भाई, हर एक मैच में टॉप 10 निकाला हूँ और भाई अच्छे खासे प्लस भी निकाला हूँ, केवल मेरे ट्रिक से। हाँ हाँ, मेरे ही ट्रिक से, ठीक है। तो बस जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो किया करो और आपका भी इजी कॉन्कर हो जाएगा। वैसे आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि आज दिन में मुझे ना एक भी सर्वर फ्रिज हैकर नहीं मिला। वैसे आपके मैच में आज कितने सर्वर फ्रिज हैकर आए मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं ये समझूं कि हाँ इनका इधर पे खात्मा हो चुका है। बात करें हमारे गेम प्ले के बारे में, तो अब भाई देख लो यहाँ पे मेरे पास गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं है, बट इस मैच में मैं निकालने वाला हूँ चिकन, वो भी अच्छी खासी तबाही के साथ में। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे ना, कसम से आपको जो लेवल का मजा आएगा ना भाई, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। कसम से बहुत मजा आएगा और भाई सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर लो, लाइक भी पहले से ही कर लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो में फुल मज़ा आने ही वाला है। अब देखो यहाँ पे लगभग 4 घंटे खेल चुका हूँ, 105 या 10 का ऐसे कुछ प्लस किया है, ठीक है। रैंक चल रहा है 499 के आसपास, तो मैं छोड़ दूंगा, इसमें इजी कॉन्कर हो जाएगा, क्योंकि अब डेली का केवल 10 नहीं मतलब कितना, हाँ 6 से 7 पॉइंट आगे भाग रहा है, बस हो गया। कल तो केवल 5 ही पॉइंट भागा था। अब देखो सामने एक बंदा है, पहले इसको मार लेते हैं। अब यहाँ पे भाई मैं सोच रहा था ये बंदा कहीं जंप ना कर जाए, अपना किल भी चला जाए। खैर अच्छा खासा डैमेज भी कर दिया था, फिर इसको यहाँ पे ब्लास्ट करके ही फिनिश कर देते हैं। जैसा नाम वैसा काम, ये ब्लास्टर ने ब्लास्ट करके फिनिश कर दिया, मजा आ गया। अब भाई यहाँ पे हमारे पास गाड़ी घोड़ा तो कुछ था नहीं, ये छोटा सा बोर्ड था, यही लेके जोन में प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब भाई ये क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जोन में पहुँचता हूँ भाई, ये डेथ सर्कल था अभी, ठीक है, और जैसे ही जोन में पहुँचता हूँ मैं सोचा हिल करूँ, तभी ये इधर पे स्टार्ट भी हो जाता है, और भाई यहाँ पे मेरे को गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं मिला। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एफपीपी के बारे में, ठीक है। देखो कुछ बंदे ना एफपीपी में भाई यहाँ पे रैंक पुश कर रहे थे, तो उनका नहीं हो पाया। तो भाई देखो मैं पहले से ही बोल दिया था, आप लोग अगर कर रहे हो तो भाई 15 दिन के अंदर कर लो, नहीं तो भाई मैचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बंदे मुझे इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, भाई ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ। भाई क्या ग्रुप बनाऊँ, पहली बात तो मैं यार जो बोला करता हूँ ना उसे मान लिया करो प्लीज़, ठीक है। मैं बोला था 15 दिन के अंदर कॉन्कर कर लो, तो कर लेना था, ठीक है। बाकी जिस बंदे का नहीं हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस ढेर सारे मिले होंगे, और भाई आप अगले सीजन में कर लेना यार, वैसे भी ये सीजन बहुत जल्दी जाने ही वाला है, ठीक है, 1-1 महीने का टाइम बचा है, तो अगले सीजन में कर लेना, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आप एक बार यहाँ पे एफपीपी में ट्राई कर लिए हो, एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब आप ना टीपीपी में भी करोगे तो भी आपका इजी हो ही जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। अब बिना मतलब का आपका जो टाइम है बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है, और मैचिंग तो होने वाला नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई आप अगले सीजन में कर लेना, आपका इजी कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोन में एंट्री हो जाती है, थोड़ा सा आप गेम प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जोन में यहाँ पे एंट्री जैसी होती है, आगे घर था, मुझे ऐसा लग रहा था वहां पे कोई बंदा है, और बंदा था भी, जो कि भैया जस्ट अभी इधर से बग्गी लेके निकला। अब मैं सोचा भाई थोड़ा सा ड्रॉप लूट लिया जाए, ड्रॉप का लालच समझ रहे हो ना आप लोग। अब ये बंदा इधर से निकल गया, और भाई यहाँ पे एक फ्रेश गाड़ी खड़ी थी, तो मैं सोचा ठीक है मैं भी निकलूँ। अब इसके बाद का ये रोटेशन और भाई आगे जाके जो मैं सर्वाइव करूंगा ना, बस वो सर्वाइवल पे फोकस करो और भाई सीखो, ठीक है, सीखो। ऐसे जब आप गेम प्ले पूरा देखोगे, सिचुएशन देखोगे, तभी आप सीखोगे, ठीक है, बस सीखो आप। जैसे इधर पे आता हूँ देखो, भाई ये थोड़ा सा बढ़िया पोजीशन था, बट थोड़ा सा खतरनाक था, ऊपर से कोई बंदा मार सकता था। अब जरूर इस बंदे के पास भाई बहुत ही महंगा वाला गन था, तभी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में ओपन में रुक के पुश किया। बट भैया दूसरे बंदे का क्या, बिना मतलब का स्प्रे कर रहा था, आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है, पहले अपना तशरीफ संभालो। बाकी दूर से मेरे पे भाई क्या ही स्प्रे आया, फटाफट स्मोक करता हूं।
अभी देखो जो सेकंड वाला बंदा था ना, उसको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए था, फिर मेरे ऊपर स्प्रे करना चाहिए था, तो क्या पता वो सर्वाइव कर जाता। खैर यहाँ पे अपना टॉप 10 हो चुका था, फटाफट अपने आप को हील करता हूँ। अब देखो हाथ में MG3 है फिर भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ना स्प्रे एकदम से परफेक्ट कर रहा था, बट भाई गोली कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। वैसे आपका क्या सीन है, मतलब आपको क्या लग रहा था मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब जैसे यहाँ पे भाई पहला वाला स्मोक एंड होता है, तुरंत दूसरा स्मोक डाल लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से भाई कोई भी बंदा फिनिश कर सकता था। अब देख ही लो, ये भी सीखने वाली ही बात है। सामने स्मोक का कवर हो गया और भाई आगे गाड़ी का कवर, पीछे हल्का सरीज का कवर। अब देखो ये सर्कल भी अपने से थोड़ा दूरी पे जा चुका था, बट ये जो डिवाइडर है ना अभी भी जोन में था, तो मैं सोचा यहीं पे लेट जाऊंगा। उसके पहले मैं सोचा भाई मेरे पीछे भी बंदे हो सकते हैं ना, तो आपको ना जोन के बाहर वाले बंदों का ज्यादा सावधानी रखना पड़ेगा। अब देखो सामने बंदा दिखता है, मैं सोचा लेट के स्प्रे करूं, लेकिन तभी चलो स्प्रे में जो था सो था, अलग बात है। बट भाई एट लास्ट इसको इधर पे फिनिश कर लेते हैं और हो जाते हैं यहाँ पे हमारे 9 किल। अब देख लो पीछे मैं ध्यान दे ही रहा था, तभी यहाँ पे बनता है एक पोर्टल ये। बट भाई पोर्टल में से कोई बंदा निकल ही नहीं रहा था, मैं यहाँ पे काफी देर तक वेट करता हूँ, बट ये एंड में ना ये बनता जोन से ही फिनिश हो जाता है, पोर्टल से आता ही नहीं। अब देखो सामने हल्का सा दिख रहा था, जैसे इसको ओपन करता हूँ ये गायब, मर गया जोन से। देखो ये सामने जो BRDM वाला बंदा था ना, ये ना इससे मेरे को यार बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, और भाई जो इंटेंस था, और भाई इसी बंदे के चक्कर में मेरा यहाँ पे चिकन भी हो जाता है। तो प्लीज़ पूरा देखना, मैं आगे आता हूँ और सबसे पहले मैं पीछे का ध्यान रखता हूँ कि पीछे से कोई ना फिनिश कर दे। अब देखो आगे जो गाड़ी जली पड़ी है ना, मुझे लगा वहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, तो मैं जा रहा था पुश करने, बट भैया बंदा कोई स्पॉट नहीं हो रहा था। और भाई ऊपर से BRDM वाला बंदा तो भाई अलग ही परेशान करके रखा था। इसीलिए कहते हैं कि ये कॉकरोच पूरे सर्कल में कहीं भी दिखे ना, इसको तुरंत यार ब्लास्ट कर दिया करो, ठीक है, ब्लास्टर की तरह। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था आगे कोई बंदा हो सकता है, तो नेट करता हूँ। तभी पीछे से एक बंदे का फुटस्टेप आ भी जाता है, फिर देखो। अरे ये बाबा यहीं पे लेट जाते हैं बाबा जी, किलर बाबा नहीं, ए लैग किलर, भाई क्या नाम रखा है, सबका बी लैग होता है, इसका ए लैग है। सी लैग कर लेता ज्यादा बढ़िया रहता, वैसे बी के बाद सी ही आता है ना। अब देखो सामने मेरे को ऐसा लगा बंदा है, पर भाई बंदा रहता नहीं उधर पे। और भाई बाकी ये काकरोच वाला बंदा तो अलग ही परेशान करके रखा था यार, इधर उधर, ये नहीं कि एक जगह शांति से खड़े हो जाए। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनो, मैं गाड़ी में जल्दी आ, गाड़ी में आजा आजा। अरे तो सामने। अब शायद इन भैया जी को नहीं पता था कि एनिमी जो है BRDM में गेट इन नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ आप थोड़ा सा आगे जाओ ताकि सामने वाले बंदे का पोजीशन रिवील हो जाए तो मैं मार दूं, बट ये बोलता है चलो मेरे BRDM का शील्ड लेके आगे चलो, बंदा आगे ही है। मैं सोचा ठीक है भाई, सामने वाले ने अच्छा दिमाग लगाया, नेट मेरा कैंसिल हो जाता है, बट कोई ना। अब देखो यहाँ पे ये बंदा मेरे को ना मार ही देता गाड़ी पीछे करके। अब यहाँ पे प्रिया मैडम के साथ स्कैम हो गया। अब ये समझ रही होंगी कि यहाँ पे हम लोग का टीम अप था, बट कौन ही समझाए कि ये बंदा मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था यार। यहाँ पे अब सीन देखो, मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर बंद करूंगा, बट बातें सुनो। ये गरीब आदमी को चिकन डाल देता है। मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ, आप मेरे को ये चिकन दे दो, जस्ट 5 सब्सक्राइबर लाएगा मैं। ना मैं अभी सब्सक्राइब करूंगा, 5 अकाउंट से मेरे।
आप भी डालो ठीक है, आप ऐसा करना है इधर, हाँ दूसरा गन ठीक है मैं उठा अब यहाँ पे सीन देखो, बंदे का मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं था और मेरे को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यार ग्लिच नहीं मतलब ये ऑटो पिकअप से यहाँ पे मेरे ऊपर जो है ये क्या कहते हैं DBS आ गए ठीक है, और ये बंदा तुरंत जाके MG3 उठा लेता है भाई, एक पैन मार भी दिया मेरे को। खैर यहाँ पे हील करते हैं, और भैया यहाँ पे ये तो शुरू होते ही खत्म। बाकी ये वाला चिकन कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना यार ठीक है। बाकी प्लस भी देख लो कितना मिला इधर पे। चलो बढ़ते हमारे दूसरे के गेम प्ले में। देखो जैसे लैंड करता हूँ गन वन मिल जाती है ठीक है, जैसे ही गन मिले ना आप ऐसे नंगे पुंगे बंदों को ना स्पॉट करना चालू कर दिया करो, जो बिना गन के अगर आपको दिख जाएंगे ना तो भाई वो फ्री के किल रहते हैं, तो उसको उठा लिया करो। बट भाई अपने आगे पीछे का जरूर ध्यान रखा करो, कहीं पीछे से कोई धब्बा ना दे दे। अब देख ही लो भाई क्या ही मारा बंदे को, क्या ही मारा, हल्का सा पैर दिख रहा था बस हो गया बंदे का। और भैया जी को फिनिश करके हम तो मजे ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक किल हो गया, मतलब भाई अपना खाता होता खुल चुका था। अब सामने एक और बंदा स्पॉट होता है जो कि पेटी खोल रहा था, तो ये पेटी ना स्मोक किए बिना बिल्कुल भी मत खोलना ठीक है, अगर मैं लॉबी में रहूँ तो, नहीं तो मैं फिनिश कर ही देता हूँ। यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 2 किल। अब देखो सामने एक और बंदा था जो कि मेरे को पता था नेड मोली करेगा ही करेगा, इसलिए सीढ़ी पे आके बैठ जाता हूँ और मोली इधर पे आ भी जाती है। अब ये बंदा इधर पे पुश कर रहा है, देखो कहानी देखो आप। यहाँ पे मैं कैसे इस फाइट को थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि मैं फुल एकदम से सर्वाइव करने का ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे मैं एकदम से लास्ट तक सर्वाइव करूँ, क्योंकि भाई जैसे ही नीचे जाऊँगा ना तो क्या पता वहाँ पे कोई हैकर वगैरह हो अपने को तुरंत फिनिश कर देगा, तो गंदा वाला माइनस लग सकता है, इसलिए मैं बस यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था ठीक है। पोर्टल बना के जैसे इधर पे आता हूँ ना कुछ ही देर में ये बंदा ना मेरा पीछा करते हुए इधर पे आता है, फिर देखो सीन क्या होगा। अरे बच गया भाई, बच गया बंदा, मैं सोच रहा था सीधा छत पे आ जाए तो मजा आ जाए। अब यहाँ पे एक और बंदा था पहले से जिसका फुटस्टेप आपको आ ही गया होगा है ना। अब यहाँ पे सीन देखो, मैं यहाँ पे मोली पे क्लिक करके मोली कर रहा था, बट भाई ये स्मोक भाई क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मेरे को ना ये थोड़ा सा दूसरा जो टेक्निक होता है स्लाइड करने वाला यूज करना पड़ेगा। अब इन दोनों की यहाँ पे फाइट हो जाती है, एक फिनिश हो जाता है। बट भाई दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा चालाक था यार, यहाँ पे मतलब भाई डायरेक्ट फाइट लेता ही नहीं, डैमेज था थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं सोचा नेड करूँ, अब नेड करते टाइम मेरे साथ स्कैम हो जाता है ये। अब जब मैं यहाँ पे एक बार नीचे गिर गया तो मैं भाई सोचा वापस जाऊँगा ही नहीं ठीक है, बट वो मेरी थोड़ी सी गलती हो जाती है। यहाँ पे किसी ने समन कर दिया था प्रॉपर स्मोक वगैरह करके, मैं सोचा रिकॉल उठाया जाए, फिर देखो अपने साथ कांड होता है ये। खैर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई ये बंदे को फिनिश कर दिया होता तो भी बढ़िया था यार, उसी ने मार दिया। खैर यहाँ पे देखो अपने को लैंड कहाँ पे करा दिया है रिकॉल होने के बाद। भाई ऐसी जगह पे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, कुत्ता बन के रह गए इधर पे, ना कहीं पे गाड़ी ना घोड़ा। बाकी ये रेड जोन देखो अपने ऊपर ना कितने टाइम बनेगा, ये फर्स्ट टाइम था ठीक है, एक टाइम बन चुका खत्म हो गया। अब ये सेकेंड टाइम है, अब देखो सेकेंड टाइम में भी हल्का सा मेरे ऊपर था ठीक है। अब यहाँ पे गोट आता है,
अब बोट को तो फिनिश कर दिए, हो जाता है हमारा 3 किल। अब देखो ये थर्ड टाइम रेड जोन अपने पे बन गया भाई, क्या ही बोले यार इस रेड जोन का और इस बीजीएमआई वालों का। अब ये फोर्थ टाइम रेड जोन अपने पे बना है अभी जो ये बना है, ठीक है। अब सोच लो भी मतलब ये बीजीएमआई वाले एकदम से भाई मारने की फुल प्लानिंग में थे कि भैया जी का माइनस लगवाओ। वो तो अच्छा हुआ कि भाई यहाँ पे आज मेरा कॉन्कर हो गया। अब भाई दौड़ते दौड़ते जाता हूँ, मेरे को बाइक मिल जाती है, बाइक लेके जैसे ही आगे जाता हूँ देखो सीन क्या होगा। अब एक तो इतना मुश्किल से बचते बचाते सरवाइव करके बाइक लेके यहाँ तक आता हूँ और ये भैया जी फिनिश कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो भैया जी को मारना पड़ेगा यहाँ पे। मैं सोचा थोड़ा सा हील कर लिए जाए फिर बंदे पे करेंगे पुश, बट देखो सीन क्या होगा। भाई ये स्मोक कर दिया, मैं सोचा भागेगा पीछे, बट भाई ये क्या दिमाग लग रहा था बंदा। पहले मेरे को ये बताओ लेट गया, मतलब उसको पता था कि मैं स्मोक के बाहर आके पुश करूंगा। खैर यहाँ पे बोनस में एक बोट भी आ जाता है, तो टोटल यहाँ पे हमारे 5 किल हो गए थे, तो इस बात का मेरे को मजा आ गया था, ठीक है। तो भाई इस बंदे से मेरे को अच्छी खासी लूट भी मिल गई थी, बट खतरा अभी टला नहीं था। अभी देखो आगे मेरे साथ जो भी सीन होगा ना। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बग्गी लेने, जो कि भाई थोड़ा सा रेड जोन एरिया में था। रेड जोन एरिया मतलब भाई काफी खतरे में था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या ही बचा हूं मैं, बट खतरा अभी भी टला नहीं था। अब आगे जाके मेरे साथ जो भी सीन होगा ना, अब देखो क्या सीन होगा। तो हाँ यही सीन हुआ जो यहाँ पे हुआ। बताओ भाई इतना मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूँ, क्या ही बताऊँ, पल पल पे खतरा भाई। अब यहाँ पे हिल विल करता हूँ सामने साथ ही बग्गी। अब देख लो इसको स्टार्टिंग में ही एक हेडशॉट मार दिया, बट ये बंदा बच जाता है और पोर्टल पोर्टल का यूज करके आगे भी चला जाता है मेरे से। मैं सोचा ठीक है अब मैं भी निकलूँ, यहाँ पे अपना टॉप 10 नहीं हुआ था, बट भैया हम कर देते हैं छोटी सी बेवकूफ़ी। अब देखो क्या होगा, सामने बंदा दिखता है। बाकी यार यहाँ पे अपनी हेल्थ जब जाती है ना फटाक फटाक करके, बंदों का हेड ही लगता है मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ। खैर यहाँ पे यार हैशटैग 12 पे केवल 13 का प्लस मिला था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 13 का प्लस भी बहुत था, ठीक है आज के टाइम पे। बट कोई ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।